हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अमेजोन के ब्रांड न्यू प्रोडक्ट अमेजोन इको शो 5 सेकेंड जनरेशन का। ये लास्ट वीक ही लॉन्च हुआ है और मैंने दो तीन दिन पहले एक अमेजोन इको शो 10 का भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, जो कि आता है आपका रोटेटिंग हेड के साथ। वो आपको एक्चुअली फॉलो करता है आप कहीं भी जाते हो तो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इस वाली वीडियो को आप एंड तक देख लो, फिर जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। सो आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखेंगे हमें यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा अमेजोन इको शो 5 का बॉक्स। बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इको शो 5 की यहाँ पे ब्रांडिंग करी हुई है और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। ये आपका इको शो 5 डिवाइस है और ये ऑब्वियसली एलेक्सा इनेबल्ड है। बॉक्स के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको 5.5 इंचेस का टच स्क्रीन मिलता है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद बिल्ट इन कवर। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप दूसरे डिवाइसेज से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हैंड फ्री विद एलेक्सा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एलेक्सा सपोर्ट करता है। और उसके जस्ट आप देख सकते हो माइक्रोफोन एंड कैमरा ऑन ऑफ बटन। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है। बॉक्स के लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आप इसका MRP देख सकते हो। इसका MRP है 8,999, लेकिन ये आपको हमेशा बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाता है। सो अगर आप इसका करंट प्राइस देखना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके लिंक में क्लिक करके इसका करंट प्राइस देख भी सकते हो और आप चाहो तो इसको खरीद भी सकते हो। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एलेक्सा कैन शो यू मोर, तो आप एलेक्सा के साथ क्या क्या कर सकते हो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। हालांकि आप डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप एलेक्सा के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से इस बॉक्स को हम पहले ओपन कर लेते हैं और निकाल लेते हैं अपने एलेक्सा इको शो 5 को। तो यहाँ पे हमें एक कट देना है और हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये रहा हमारा इको शो 5। अब इसको हम पहले साइड रख लेते हैं और देख लेते हैं अंदर और क्या क्या हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक मैनुअल जो आपको बताएगा कि आपको अपने इको शो 5 को कैसे यूज़ करना है। तो इसको हम कर देते हैं साइड में। और यहाँ पे आपको मिलता है एक पावर अडैप्टर, जिसको यूज़ करके आप अपने इको शो 5 को पावर सप्लाई दे सकते हो। और बॉक्स में कुछ नहीं है तो हम इसको कर देते हैं साइड में। सो ये रहा हमारा इको शो 5। बहुत ही अच्छे से ये प्लास्टिक में रैप किया हुआ है, तो इसको भी मैं जल्दी से एक बार हटा लेता हूँ। तो ये प्लास्टिक से निकल चुका है। ये है हमारा अमेजोन इको शो 5 और इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे आपको 5.5 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 माइक्रोफोन दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप बटन्स की बात करें तो ये आपका म्यूट बटन हो गया, इससे आप वॉल्यूम माइनस और प्लस कर सकते हो। और ये हालांकि आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है, तो आप अपने वॉइस कमांड दे के ही वॉल्यूम माइनस प्लस अगर सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक स्लाइडर बटन भी दिया हुआ है। इसका यूज़ मैं बता दूँ, आपको इको शो 5 में मिलता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसको यूज़ करके आप वीडियो कॉल्स कर सकते हो। इसको यूज़ करके आप अपने घर पर मॉनिटरिंग कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो इसको एज अ CCTV भी यूज़ कर सकते हो। सो फॉर प्राइवेसी रीज़न, कि अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका कैमरा जो है वो कुछ रिकॉर्ड करे या कुछ देखे, तो इन दैट केस आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस स्लाइडर को सिंपली ऐसे करना है। जैसे ही करोगे आप यहां पे देख सकते हो व्हाइट कलर का आपका यहां पे कवर आ चुका है, मतलब कि आपका जो कैमरा है वो अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे आप इसको हटाओगे, देखो व्हाइट वाला हट गया, तो आपका जो कैमरा है वो वापस से मॉनिटर करना शुरू कर देगा। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है आपके प्राइवेसी के लिए, कि अगर आप नहीं चाहो कि ये कैमरा आपको देखे तो आप बस इसको यहां पे स्लाइड कर दो। बैक साइड की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमारा स्पीकर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाथ में पकड़ के ऐसी चीजों को ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है, जिसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। और इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको अपने पावर अडैप्टर को कनेक्ट करने का पोर्ट दिया हुआ है, तो आप अपने पावर अडैप्टर का ये वाला जो पिन है आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट। और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नॉन स्लिपरी मैट टाइप का दिया हुआ है, तो जैसे कि अगर आप अपने इको शो को कहीं रखते हो तो ये स्लिप नहीं करेगा, ये बहुत ही अच्छे तरह से अपने को होल्ड करके रखेगा। सो चलिए अब जल्दी से इसको हम पावर सप्लाई दे देते हैं और इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो आप पावर सप्लाई देने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको सिर्फ इसको यहाँ पे प्लग करना है
और यहाँ पे आपको वेट करना है। देखो जैसे ही हमने पावर सप्लाई यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इको शो 5 ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का बटन वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप पावर सप्लाई दो और ये ऑन हो जाएगा। तो अब मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर हम आगे चीज़ों को चेक करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा जो सेटअप प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसका जो सेटअप प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर आपको इसको अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना है। आपका जो अमेजोन अकाउंट है उसमें आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। फिर आप इसको कहाँ रखने वाले हो उस जगह को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और अब आपको अपना वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है, और बस आपका जो प्रोसेस है सेटअप का वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके यूजेस की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। तो यूजेस की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एलेक्सा से शादी भी कर सकते हो, याद है? आप मुझे कुछ कुछ तो जान गए हैं, okay. लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें एक दूसरे को जानने में जरा वक्त लगेगा। हाँ हाँ पता है, उस टाइम इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसने ये कहा था कि हमें थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। तो भाई मैंने इसको बहुत अच्छे से जान लिया है, तो चलिए अब एक बार वापस से ट्राई किया जाए कि ये अब मानती है कि अभी भी ये नहीं मानती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एलेक्सा, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए पता लगाते हैं कि आप मुझे और मेरी पसंद नापसंद को कितना जानते हैं। वापस से अग्नि परीक्षा। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी, ठीक है? पता आपको है, पता जवाब देने होंगे। हाँ भाई, गो थ्रू हो चुका है एक बार। हाँ। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा फेवरेट अल्फाबेट क्या है? ए, पता है, चलो अब बहुत पहचान लिए। ए सही जवाब। अब बताइए मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। बैंग ऑन। ये एकदम करेक्ट जवाब है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? एलेक्सा, नहीं पता। मेरी फेवरेट फिल्म है कल्ट क्लासिक अंदाज अपना अपना। आप मुझे कुछ कुछ तो जान गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें एक दूसरे को जानने में जरा वक्त लगेगा। अभी भी काम नहीं बना यार, अग्नि परीक्षा पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बड़ा हरामी हो बेटा। अब इसे हम एक्चुअल यूज की अगर हम बात करें, तो इसको यूज करके आप मूवीज वगैरह देख सकते हो, आप वेब सीरीज वगैरह एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे, आप यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह देख सकते हो। इसके यूज करके आप न्यूज चैनल्स वगैरह भी देख सकते हो। आपको सिर्फ इसको बोलना है कि आप ये प्ले कर दो, ये आपके लिए प्ले कर देगी, और ऑब्वियसली इसको यूज करके आप गाने तो सुन ही सकते हो। अब इसके दूसरे यूज की अगर हम बात करें, तो इसको यूज करके आप अपने घर को स्मार्ट होम बना सकते हो। मतलब कि आपको सिर्फ फिर कमांड करना है कि एलेक्सा आप ट्यूबलाइट बंद कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो, या फिर फ्रिज ऑफ कर दो, माइक्रोवेव ऑफ कर दो। बस सिर्फ आपको बोलना है और ये आपका जो कमांड है वो फॉलो करके एग्जैक्टली वही करेगी जो आप इसको करने को बोलोगे। जो ऑन ऑफ आप करना चाहते हो बहुत ईजी वे में ये आपके लिए कर देगी, आपको सिर्फ बोलना है। इसके थर्ड यूज की बात करें, तो इसको यूज करके आप कॉल्स कर सकते हो। आप इसको यूज करके वीडियो कॉल्स वगैरह भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी को वीडियो कॉल करना है, तो आपको सिर्फ इसको बोल दो कि इसको वीडियो कॉल करो, ये ऑटोमेटिकली आपको वीडियो कॉल कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता है कैमरा दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन भी है, तो आप बहुत ही ईजी वे में वीडियो कॉल्स वगैरह भी कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो आप इसको एज अ सीसीटीवी भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप कहीं घर से बाहर हो और आप देखना चाहते हो घर में क्या हो रहा है, तो आप बहुत ही ईजी वे में अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हो कि घर पे क्या चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, कैमरा को अगर आप ऑफ करना चाहो तो आप इसको बस ऐसे कर दो, और ये जैसे ही आप इधर स्लाइड करोगे तो आपका कैमरा और जो माइक्रोफोन है दोनों आपका काम करना बंद हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो प्राइवेसी है वो भी बिल्कुल मेंटेन रहने वाला है। इसको आप एज अ फोटो डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी फैमिली फोटोज वगैरह इसमें चेंज होती रहे ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर में, तो आप इसको एज अ फोटो डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। जो जो फोटोग्राफ्स आप इसमें लोड कर दोगे वो ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा एक चीज है कि आप इसको एज अ फोटो डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। इसको यूज करके आप अपने किचन में खाना तक बना सकते हो कि मतलब अगर आप कोई रेसिपी देख रहे हो तो आप इसको अपने किचन में रख दो और रेसिपी यहाँ पे चलती रहेगी। आपको सिर्फ बोलना है कि ये अलग खाना का रेसिपी बताओ, ये आपको एक्चुअली एग्जैक्टली आप खाने का रेसिपी आपके सामने रख देगी और आपसे पूछती चलेगी कि इतना हो गया। अगर आप बोलोगे हाँ, तो फिर वो नेक्स्ट आपको बताएगी स्टेप। तो आप इसको यूज करके अपने किचन में खाना भी बना सकते हो। इसका यूज आप एज एन अलार्म भी कर सकते हो। बस आपको सिर्फ इतना बोलना है, एलेक्सा सेट एन अलार्म फॉर टुमारो 6 AM।
अलार्म सेट फॉर 6 AM टुमारो। देखो कितना ज्यादा इजी था, इसको यूज करके आप रिमाइंडर्स वगैरह भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अलेक्सा सेट मी अ रिमाइंडर फॉर टुमारो फॉर मोबाइल रिचार्ज। व्हाट टाइम टुमारो शुड आई रिमाइंड यू? 1 PM। I'll remind you tomorrow at 1 PM. देखो इसमें रिमाइंडर सेट कराना कितना ज्यादा इजी था। इनफैक्ट इसमें आप कोई भी काम करना चाहो ना तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। आपको इसको टच तक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कमांड देना है और आपका काम हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज ये इंग्लिश भी समझती है, हिंदी भी समझती है, आपको सिर्फ इसको बोलना है। तो अगर आपका एज बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा भी है, और अगर आपको इंग्लिश आती भी है या नहीं भी आती है, तो भी यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हो। जो भी आप इसको बोलोगे वो बहुत ईजिली आपका समझ जाती है और बहुत ही अच्छे तरह से रिस्पांस भी करती है। आपने यहाँ पे देखा भी, मैंने जैसे इसको जो भी कहा वो तुरंत समझ भी जाती है और वैसे ही आपको रिप्लाई भी कर देती है, और ये बहुत ही फनी रिप्लाईज भी करती है। अगर मैं आपको एक टेस्टिंग करके दिखा दूं, अलेक्सा क्या तुम पागल हो? पागल? और मैं कभी नहीं। ये बढ़िया था गुरु। देखे आपको बहुत ही फनी रिप्लाईज भी करती है। तो अगर आप इसके साथ टाइम पास भी करना चाहो ना तो ये बहुत ही फनी फनी रिप्लाईज आपको करती है। एक मैं आपको और दिखा देता हूँ। अलेक्सा तुम्हारा एज क्या है? चलिए आपको एक हिंट देती हूँ, एक और एक को जोड़िए फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने पर जो आएगा वही आपके सवाल का जवाब है। देखा आपने ये कैसे आंसर करती है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। अगर आप इससे फनी क्वेश्चंस अगर भी पूछना चाहो तो ये आपका एंटरटेनमेंट बहुत ही अच्छे से करने वाली है। और भाई लड़की है तो अपना एज कैसे बता देगी डायरेक्टली, तो घुमा फिरा के इसने आंसर दिया है। तो बहुत ही इंटरटेनिंग ये चीज है, आपके काम की भी है। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अलेक्सा What's the benefit of social distancing? According to PLOS.org, social distancing practices are changing Alexa, in behavior that... Stop. देखा आपने, तो मतलब अगर आपको कोई चीज का नॉलेज चाहिए, आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, आपको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम पास कर ले, तो हर वे में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। अब साउंड क्वालिटी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यार यहाँ पे मैं आपको इसका सॉन्ग वगैरह प्ले करके तो नहीं सुना सकता, बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे तो हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा। बट मैंने इसका साउंड टेस्ट करा है और साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसका लाउडनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो आपको यहाँ पे म्यूजिक मिलने वाला है वो बिल्कुल बैलेंस्ड मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप बेस लवर हो तो यहाँ पे आपको बेस ज्यादा नहीं मिलने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको जो म्यूजिक क्वालिटी है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, मतलब ट्रेबल हो, आपका बेस हो, आपका जो हाईज एंड लोज है सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो अगर आप नॉर्मल म्यूजिक सुनना चाहते हो, ज्यादा बेस ही नहीं सुनना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा चॉइस रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बेस पसंद करते हो तो भाई यहाँ पे ज्यादा बेस तो आपको नहीं मिलने वाला है। अब इसी सेटिंग के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आप जैसे इसको स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्राइटनेस देख सकते हो। तो अगर आप ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्लाइड करके कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली बाहर के लाइटिंग कंडीशन से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह ना आए तो यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करके उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। आपको किसी तरह की सेटिंग्स वगैरह करनी है तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिलता है, आप इसको किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हो वाईफाई का अपना, तो इसके यहाँ पे कर सकते हो। होम एंड क्लॉक में सबसे ज्यादा मेजर सेटिंग्स है, तो होम एंड क्लॉक को हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप क्लॉक एंड वॉलपेपर पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे अगर आपको जैसे आपका स्क्रीन में क्लॉक बना हुआ रहता है तो उसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो पर्सनल फोटोज, जैसे कि मैंने बताया पर्सनल फोटोज वगैरह भी आप लगा सकते हो। वॉलपेपर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे वॉलपेपर है, मॉडर्न वॉलपेपर है, प्लेफुल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है आपके स्क्रीन को डिस्प्ले के लिए। साउंड्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आप अपने सारे चीज़ों का साउंड सेलेक्ट कर सकते हो, आपका इसका वॉल्यूम कितना करना है, आपको अलार्म का वॉल्यूम कितना चाहिए। हालांकि ये सब आप वॉइस कमांड दे के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कैमरा आपके लिए अवेलेबल है ही, आपके सर्विलेंस वगैरह सबके लिए या फिर वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ब्लॉक वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कोई मूवी के ट्रेलर्स वगैरह हो गए, कोई वेब ब्राउजर को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो, आपको बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आप ब्लॉक करना चाहते हो, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, वो बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह से स्लाइड करें तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेट का ऑप्शन आ जाता है। कम्युनिकेट में यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। कम्युनिकेट में जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है वो ड्रॉप इन का है। तो ड्रॉप इन में अगर आप क्लिक करोगे तो आपके घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज आपने इसके साथ कनेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अनाउंस में अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी टाइप करो या कुछ भी बोलोगे तो ये आपका जो इको शो है वो वही सेम चीज अनाउंस कर देगा। अगर आपको कॉल वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो, कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट्स वगैरह देख सकते हो, जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। स्मार्ट होम, अगर जैसे कि अगर आपके घर में जो भी डिवाइसेस हैं स्मार्ट डिवाइसेस, वो सारे आप यहाँ से एडिट या फिर चेंज या फिर ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ आप स्मार्ट होम के साथ कर सकते हो। म्यूज़िक में जैसा कि आप समझ ही रहे हो, यहाँ पे अगर आपने जो जो म्यूज़िक सुने हैं वो सारे म्यूज़िक भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, बिंग, बहुत सारे आपको वीडियोज़ वगैरह देखने के भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और रूटीन्स में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे अगर आप चाहो कि आपका इको शो जो है कोई रूटीन फॉलो करे, जैसे कि सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग विश करे, रात को गुड नाइट विश करे, या फिर आपको ट्रैफिक का अपडेट डेली सुबह दे, या फिर कोई भी अगर आप चीज़ इसका जो रूटीन में फिट करना चाहते हो तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि आप ये आपका जो इको शो है आपके लिए रोज़ करे, तो वो सारी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये आपको एवरी डे वो सेम रूटीन फॉलो करेगा, तो ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो और अलार्म्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाई दिया कि अलार्म्स आपको कैसे सेट करने हैं, तो अगर आप अलार्म्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आपने कोई अलार्म वगैरह सेट किया है तो वो तो आपको दिख ही जाएगा, और अगर आप कोई अलार्म नया ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। सो फाइनली अब बात करते हैं कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। सो अगर आप मूवीज अगर इंजॉय करना चाहते हो, म्यूजिक इंजॉय करना चाहते हो, वेब सीरीज इंजॉय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं भैया घर में आराम से लेटे लेटे घर के सारे काम हो जाए, टीवी ऑन हो जाए, फ्रिज ऑफ हो जाए, एसी ऑन हो जाए, लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ, जो भी आप करना चाहते हो वो आराम से लेटे लेटे हो जाए, आप चाहते हो कि मेरे को दिन भर स्क्रीन में न्यूज़ वगैरह या फिर रिसेंट अपडेट जो जो होते हैं वो सब यहाँ पे ही मेरे को दिख जाए, आप इसको एज अ फोटो एल्बम यूज़ करना चाहते हो, एंड ऑब्वियसली अगर आप इसको एज अ फनी इंटरटेनमेंट डिवाइस यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा विकेट आंसर देती है जो कि बहुत ही फनी होता है, सो आप एज एन इंटरटेनमेंट भी इसको देख सकते हो, आप इसको एज एन असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी काम है आपको सिर्फ इसे बोलना है, आपको इसको टच भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको बोलना है, ये आपके सारे काम बहुत ही अच्छी तरह से कर देगी। सो अगर आपको कुछ ऐसा ही डिवाइस चाहिए जो आपके लिए ऑलराउंडर हो तो बस ये आपके लिए ऑलराउंडर है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसको खरीद सकते हो। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।